कल से हम सबने देखा है सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल करी और जैसे ही ये चार्जशीट दाखिल हुई तो कल हमारी प्रेस वार्ता में जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बब्बर एंड उनके गब्बर अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछे तो अपने भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो बाहर नहीं आए थे। आज एक बड़ी छोटी सी प्रेस वार्ता करी जिसमें हर नागरिक ने देखा कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई और नहीं भारत में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यह भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ कि जो किंगपिन हो जिसके इशारे पे सारा भ्रष्टाचार दिल्ली में होता है, एक्साइज स्कैम, क्लासरूम स्कैम, डीटीसी लो फ्लोर बसेस स्कैम, सत्येंद्र जैन मंत्री पद से हटाए नहीं जाते हैं हवाला रैकेट स्कैम, वो अपने आप को सर्टिफाई करता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल जी लगता है आपको राजनीतिक मोतियाबिंद हुआ है। जनता आपके बारे में क्या सोचती है वो आपको चुनाव के परिणाम आने पे पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, हम सबने सुना था ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क, ISI की गारंटी, सुना है ना। अब KSI केजरीवाल स्कैमस्टर इंस्टीट्यूट गारंटी दे रहा है खुद को, केजरीवाल हूं, आया हूं तो भ्रष्टाचार तो करूंगा 100%। और ये KSI की जो गारंटी है, केजरीवाल स्कैमस्टर इंस्टीट्यूट की गारंटी, तथ्यों पे बात करेंगे, विधिक बात करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद को आके सर्टिफिकेट दे दे कि मैं ईमानदार हूं जब पूरा देश कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं पुनः एक बात उठाऊंगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, कल हमने बताया था कैसे टॉयलेट में बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला हो तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब मैं आता हूं उन तथ्यों पे जो हर नागरिक के समक्ष होने चाहिए और मीडिया से हम साझा करना चाहेंगे। केजरीवाल जी लूट खसोट कमीशन उगाही करने में आप इतने व्यस्त रहते हैं, भारत के कानून के बारे में पढ़ने का समय आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले तो सबको यह पता होना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसियां कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। और याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको पिंजरे का तोता बना दिया गया है,
आज जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और वो भ्रष्टाचारियों पे जो उचित कार्रवाई होती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, हमारे देश का कानून कहता है कि एक समय सीमा के अंदर ही चार्जशीट फाइल हो जाए, क्योंकि अगर चार्जशीट उस समय सीमा में नहीं फाइल होती है तो जो जेल की हिरासत में होते हैं उनको ऑटोमेटिक बेल मिलती है। ये कानून है देश का। तो इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी जो साक्ष्य, जो तथ्य, जो प्रमाण, जो बयान उनके समक्ष है, उसके आधार पे एक चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन अब मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी सोच रहे हैं कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई, हम तो छूट जाएंगे। तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, हर नागरिक की तरह हमें भी ये विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी, कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रावधान कानून में है, और अरविंद केजरीवाल जी अब कहेंगे सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सप्लीमेंट्री ये होता है जो कल हमने उजागर किया कि टेंडर का अमाउंट था कम, और उसके बाद इन्होंने सप्लीमेंट्री कई सौ करोड़ का काम बब्बर को दिया था बिना टेंडर के, याद है ना। तो जो मेन चार्जशीट है उसके बाद आगे भी विवेचना चलती है कानून में, और उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई होती है। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं बताता हूं, आतंकवादी यासीन मलिक नाम आप जानते हैं, हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसका नाम आ गया था। यह बताना क्यों आवश्यक है? यह बताना इसलिए आवश्यक है, यह कानूनी प्रक्रिया होती है, जांच होती है, तथ्य आते हैं, और उसके बाद दोष सिद्ध हुआ उस केस में। कहने का तात्पर्य केवल एक है, जिस तरह से भारत के हर नागरिक को जांच एजेंसियों पर भरोसा है, हर राजनीतिक दल को भी भरोसा होना चाहिए, और जांच एजेंसियों के विवेक पर यह छोड़ देना चाहिए कि वो कब क्या कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर आज उजागर हो गई, अरविंद केजरीवाल जी मीठा मीठा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मैं अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे ये जितनी जांच एजेंसियां हैं ये सब किसी व्यक्ति के इशारे पे काम करती हैं, और आप ये भी कहते हैं बार बार मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, बार बार
मैं आपको बता रहा हूं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपसे यह सवाल पूछा जाएगा, जब आप किसी जांच एजेंसी पर सवालिया निशान उठाते हैं बिना तथ्यों के, तो जो आज संविधान की शपथ लेते हैं उसको तार तार कर देते हैं। और आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब आप बार बार ये आरोप लगाते थे कि इस देश की जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है और किसी व्यक्ति के इशारे पे काम करती हैं और दबाव में गिरफ्तारी कर लेती हैं, तो आज आपके उन शब्दों का, वक्तव्य का क्या हुआ? या ये मान ले कि एक मुख्यमंत्री के शब्द इतने हल्के हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू। इसके साथ मैं एक बात और बताऊंगा। देखिए, एक वक्तव्य और आया बाहर, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारे जो भ्रष्टाचार गिनाए गए हैं, बदनाम वो हो सकता है जिसकी इज्जत बची हो। अरविंद केजरीवाल जी, रूई से हल्की है आपकी इज्जत आज, आपको कोई क्या बदनाम करेगा? कोई ठग आता है, फूंक मारता है, आप उड़ जाते हैं, वसूली करते हैं। आपसे सवाल पूछे भ्रष्टाचार पर, हमने कल टॉयलेट को आपने क्लासरूम बता दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपने रुपए का पेमेंट किया और वो थे ही नहीं, वो भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई दिया? और एक्साइज घोटाला पर जो सवाल हमने बड़ी तत्परता से बार बार पूछे, अगर एक्साइज पॉलिसी अच्छी थी तो वापस ली क्यों? 144 करोड़ रुपए अपने मित्रों का वापस क्यों किया? आपकी तिजोरी में कितने का काला धन वापस आया? हमने पूछा आपसे अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ठेका दिया गया, मुख्यमंत्री आप है, आपने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं इतना जरूर कह के अपनी बात को अंत करूंगा, भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, हर नागरिक की और हमारी आस्था कानून में है, जांच एजेंसियां जो निष्पक्ष जांच कर रही हैं उसमें है, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन करके जो सवाल जनता पूछ रही है उससे क्यों दूर भागते हैं? और मैं अंत करके एक ही बात कहूंगा और अंत करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ है और जीरो टॉलरेंस है, और कोई भ्रष्टाचारी जो सोच रहा है कि वो बच जाएगा, तो जांच एजेंसियों पे ये हमारा अटूट विश्वास है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। धन्यवाद। जिस बिंदु पर आज प्रेस वार्ता है वो भ्रष्टाचार है, जो आपने प्रश्न पूछा है वो भी भ्रष्टाचार पर, जो कल प्रेस वार्ता करके बिंदु उठाया था क्लासरूम टॉयलेट स्कैम, वो भी भ्रष्टाचार था।
और दो बातें मैं कह के आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहला, ये कह देना कि कोई व्यक्ति कट्टर ईमानदार है, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अभी 5 दिन पहले स्पेशल कोर्ट ने सतेंद्र जैन कट्टर बेईमान की जमानत याचिका को खारिज किया, और दूसरा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक भ्रष्ट आरोपी मंत्री अगर अपने पद पर बना रहता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली को सोचने की आवश्यकता है कि ये संविधान संगत है या संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, बड़ी बेशर्मी से कल एक सार्वजनिक चर्चा में आम आदमी पार्टी के सांसद अपने ही समर्थकों को बैठाकर बड़ी निर्लज्जता से ये कहते हैं कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शुड बी कंफर्ड अपॉन एन एक्यूज्ड पर्सन लाइक सतेंद्र जैन हु हैज नॉट बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इज बिहाइंड बार फॉर 5 मंथ्स नाउ, जो मसाज कराते हैं तो पॉक्सो और रेप के आरोपी से कराते हैं, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला तथ्य और वक्तव्य क्या हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द प्रोविजंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द अदर रेलेवेंट लॉज वेयर देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू फाइल द चार्जशीट। That does not preclude the investigating agency from continuing with the investigation and file a supplementary charge sheet, number one. Two, if the charge sheet is not filed within the stipulated time, the accused persons who've been arrested are entitled to automatic bail under the law of the country, and thus I would only say, as a person who practices in the court, that we have utmost faith in the investigating agencies, and Arvind Kejriwal should answer the broad questions that have been raised on corruption charges against him and his ministers. And one more warning to the most corrupt Chief Minister Arvind Kejriwal, that not a single corrupt person will be spared by the investigating agencies of the country. This is the money of the people of our country, and if somebody indulges in loot and corruption, he has to be booked and punished. आदित्यनाथ के एक ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए तो इनको वोट दे देना, लेकिन अगर आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क चाहिए तो मुझे वोट देना, जो योगी आदित्यनाथ का उन्होंने बयान जो उन्होंने कोट किया है, उन्होंने कहा था कि ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना दिल्ली से, ये तो आतंकवाद का सच्चा हितेशी है। सब क्या कहें? मैं इतना ही कहूंगा कि ये भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गए थे, जनता ने इनका भ्रष्टाचारी चरित्र समझ लिया, जमानतें जब्त हो गई,
और अगर तब भी नहीं सीखे तो एक फर्क अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां भी छुपे हो आपको बता दूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल ये है कि जो गुंडे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति कुड़ की जाती है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुन के वो थरथर कांपते हैं, और जो ठग और भ्रष्टाचारी हैं वो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के साथ मंत्री के कक्ष में बैठ के चाय पीते हैं, जफिया और पपिया लेते हैं देते हैं, और उसके बाद तय करते हैं कि ये ठेका कितने में दिया जाएगा और इसका स्वरूप क्या होगा। तो ये फर्क है अरविंद केजरीवाल जी, और मुझे नहीं लगता है कि हमें तुलनात्मक भी कोई बात ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय राजनीति में सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री हैं, और जो साल में 2 घंटे काम नहीं करते जनता के लिए, केवल लूट खसोट करते हैं, वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करें, तो मैं समझता हूं ये अपने आप में आपत्तिजनक है। देखिए ऐसा है, यहां से प्रेस वार्ता खत्म होने आ रही है, आप कृपया करके वहां जाइए। और मैंने बताया ना कि टेंडर में कैसे वसूली करनी है, कैसे किकबैक आना है, हवाला के चैनल से घुमा के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में कैसे पहुंचना है, इससे फुर्सत मिले तो वो कानून पढ़े, संविधान पढ़े, और अपनी चुप्पी वो हमारे सवालों पे तोड़ेंगे नहीं। केवल इस तरह की बातें करते हैं वो, अपना मखौल उड़ाते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आई वुड ओनली से वन थिंग वेरी प्राउडली, फर्स्ट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड इन गुजरात बाय द भारतीय जनता पार्टी सिक्योरिंग मोर देन 2/3 ऑफ द सीट्स देयर ऑन द डेवलपमेंट मॉडल, गुजरात मॉडल। एंड द सेकेंड थिंग आई वुड प्राउडली से एज अ डिवाउट हिंदू एज वेल, दीज आर द वेरी पीपल हु हैड अर्लियर सेड भगवान राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस है जो कहती है हिंदू बच्चे मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो कहते हैं कि भगवत गीता में जिहाद की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अटूट मजबूत विचारधारा है जिसने हर मैनिफेस्टो में कहा था कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। तब ये मजाक करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वहां जा सकें, क्योंकि देश की जनता इनका चुनावी हिंदू होना, ढोंगी हिंदू होना देख चुकी है। धन्यवाद।